यूपी के बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह का मंदी को लेकर अनोखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजकल मंदी की बातें की जा रही हैं, अगर मंदी होती तो लोग कोट जैकेट नहीं पहन पाते। मंदी सरकारी पैसा लूटने वालों के लिए है। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त ने शिक्षकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बयान दिया। बीजेपी सांसद ने उदाहरण देते हुए दावा किया कि मंदी का संकट होता है तो हम लोग केवल धोती कुर्ता पहन के आए होते, चद्दर नहीं होता, कोट नहीं होता, जैकेट नहीं होता, हम लोग दुकान से चादर नहीं खरीदते। दिल्ली में, दुनिया में इस समय बड़ा जोर बहुत चली है, मंदी हो गई, चलन बन बहुत दुनिया में मंदी हो गई। कैसी मंदी हो गई? अगर मंदी हो गई होते तो हम लोग सब खाली कुर्ता धोती पहन के आए होते, चादर नहीं होता, जैकेट नहीं होता, कोट नहीं होता। ये देखिए देविया कैसे बैठी, कहां से बैठी। और मंदी उनके लिए है जिसके लिए सरकार ने कानून बना दिया कि परिश्रम के पैसे से संचय करने वाले लोगों को, जो गांव में पैसा जमा करते हो, महानगरों में पैसा लूटने की इजाजत नहीं देंगे, और बैंक का पैसा लूट लेंगे तो कानून तुम्हारे ऊपर काम करेगा, उन्हीं के लिए आज मंदी का संकट दिख रहा है। मंदी का संकट दिखता तो त्योहारों में, शादियों में, बारातों में खर्चा